जी देखिए, अस्सलाम वालेकुम। ये कैलिडियम का फ्लावर निकला है और अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं पॉलिनेशन किस तरीके से कराएं। तो पॉलिनेशन का तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से कराएं, लेकिन आजकल मौसम जो है वो फेवरेबल नहीं है कैलिडियम की पॉलिनेशन सक्सेसफुल होने के लिए। इसके लिए बहुत माइल्ड टेम्परेचर चाहिए होते हैं और आजकल गर्मी दोपहर में ज़्यादा हो रही है। आज ये पहला दिन है कि ये फ्लावर खिला है और इसका जो ऊपर ये वाइट वाला पार्ट नज़र आ रहा है आपके सामने, ये मेल पार्ट है, इस पे पोलन बनेगा। तो आज शाम तक या कल सुबह तक इस पर अच्छा खासा पोलन जमा हो जाएगा। मैं आपको फिर अपडेट दे दूँगा और किस तरीके से पोलिनेशन होगी वो आपको हाथ के हाथ करके दिखा दूँगा, लेकिन इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर इस वक्त ज़्यादा जा रहा है, तो जब बारिशों का मौसम आता है या फिर हम सर्दी के ज़रा करीब होते हैं, अक्टूबर सितंबर नवंबर के शुरू में, तो उस वक्त अगर फ्लावर्स आ रहे हो तो उसकी पॉलिनेशन जो है सक्सेसफुल होती है। 24 आवर्स गुजर चुके हैं इस फूल को ओपन हुए हुए और पोलन इतना बन गया है कि ये पत्ते पे भी गिरा हुआ है। शायद आपको वीडियो में नज़र आ रहा हूँ, पत्ते पे भी पोलन गिर गया है। तो अब यह है कि इसका जो स्पेस है इसको मैं किसी कैंची वगैरह से काट लूँगा और कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम इसका जो पोलन है वो मैं बचा लूँ, और उस पोलन को फिर मैं उंगली की मदद से ही इसके जो फीमेल पार्ट है उसके ऊपर लगा दूँगा। तो इस पर बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है और मैं इस वजह से ये टाइम चूज़ किया कि थोड़ा ठंडा वक्त है, शायद इस ठंडे वक्त की वजह से ये पोलन जो है ये प्रॉपरली पोलिनेट कर पाए और हमारी पोलिनेशन जो है सक्सेसफुल हो पाए। तो बस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा पोलन, ये इसका मेल पार्ट है, इस पे पोलन है, और ये छोटा सा जो है ये फीमेल पार्ट है। ये पोलन जो है हमें इसके ऊपर लगाना है। सिंपल ये है कि उंगली से ये पोलन लिया, मैक्सिमम जितना आप कोशिश करते हैं कि लगा सकें इसके ऊपर ताकि पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो पाए। अब अगर आज दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है तो होपफुली ये चलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, इसका जो फीमेल पार्ट होता है। तो होपफुली ये पॉलिनेट हो पाएगा। अच्छा, पॉलिनेशन जैसे हमने की है, अगर तो ये सक्सेसफुल होगी तो हमें लाइक विद इन 5 डेज़ मैक्सिमम पता चल जाता है, और अगर सक्सेसफुल नहीं होगी तो ये मुरझाना शुरू हो जाएगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, और अदरवाइज़ ये अपना स्टिफ ही खड़ा रहेगा और स्लोली जो इसका जो जिसका हमने पॉलिनेट किया है फीमेल पार्ट वो ग्रो होगा, थोड़ा सा स्वेलअप होगा, उसमें सीड्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो मैं अगर ये सक्सेसफुल होती है तो फिर आपको उसकी अपडेट भी दे दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू।